तो भाई सुबह की आप सब लोगों को आज की राम राम। तो भाई आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ट्रिप है वो स्टार्ट तो सुबह काफ़ी सुबह मतलब सुबह 4:15 बजे ही हो गई थी, पर लेट होते होते शायद से 7 बज गए थे या 6:30 कुछ टाइम मुझे याद नहीं। तो सनराइज था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसके बाद अक्षरधाम मंदिर क्रॉस किया और फिर आगे चलिए। देख लो गाड़ी है तैयार, फुल पैक हो गया सुबह तो उठे उठे। अरे तो सूरज निकला है, टाइम हो गया है, कितना हो गया जी? 8 बज गए हैं भाई। और यात्रा तो हमने बहुत सुबह शुरू कर ली थी 4:15 बजे, लेकिन लेट हो गए भाई। और अकेले नहीं जा रहे हैं इस बार साथ में जा रहे हैं। साथ में कौन जा रहा है वो जब रुकेंगे, जब आप लोगों को दिखा दूंगी। पीछे बच्चे अपने मौज मस्ती में है भाई, हम भी रिलैक्स हैं। और हम पहुँच चुके हैं मेरठ, मेरठ पहुँच गए ना जी? हाँ मेरठ पहुँच चुके हैं भाई हम। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं और 6 बजे से तो मतलब कंटिन्यू अपना चल रहे हैं। वॉशरूम ब्रेक वगैरह हमने लिया है। पीछे बैठा है देख लो मेरा रिक्की, जो हमेशा कैमरे के आगे चुपता घूमता है, पता नहीं क्यों। थोड़ा आराम से ये टूलिप टूलिप दे दी वो नहीं वो ये कहाँ तक ये कहती है लेवेंडर लेवेंडर ये मैंने लगवाई हुए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी, साफ सुथरा सा बढ़िया है। मूस से पहले तो अच्छे से वो चल रहा था क्या ये ना? हाँ बढ़िया लगा रहा है दीदी, वो तो बढ़िया जिस तरह कम कर मच्छर ने काट लिया आपको तो पूरे फेस पे हुआ है ना? जैसे कि आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि भाई हमारे साथ दूसरी फैमिली कौन है, तो भाई दूसरी फैमिली हमारी अपनी भाई उषा दीदी वगैरह हैं। तो इस बार हमने साथ में जाने का प्लान बनाया था। प्लान तो सिर्फ आगे जाके आपको पता ही चल जाएगा कहाँ तक का है भाई, तो बस इतना ही था। लेकिन उससे आगे फिर एक दिन और आगे बढ़ा तो और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर घर वापस आ ही गए थे। तो मौसम का और भाई रास्ते को एंजॉय करते हुए भाई चल रहे थे आराम से अपना। चलान भी भरो सारी चीजें मेरे उसमें है। और भैया आप लोगों ने देख लिया हमारे साथ है आज उषा दीदी, यार हम जा रहे हैं साथ में इकट्ठा और दिखाऊंगी आगे क्या करेंगे, है ना जी?
लगेगा कंफर्म बताना, ज़्यादा लगेगा तो मैं निकल जाऊँगा धीरे धीरे, फिर होटल में मिलेंगे ठीक है। पहले वहाँ से राफ्टिंग करो जब भी मेरे को फ़ोन कर देना, क्योंकि फिर तुम राफ्टिंग करोगे फिर फ़ोन नहीं मिल पाओगे ठीक है ना। आपने डाल लिया तूने वो ऋषिकेश का मैप? ठीक है चलो फिर। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देख लिया और पीछे विनोद जी की बातें भी सुन ली होगी, हाँ जी ऋषिकेश, तो भाई हम पहुंच गए हैं गंगा मैया की नगरी हरिद्वार। भाई बहुत टाइम बाद आई हूँ, कम से कम 10 से 12 साल बाद आई हूँ, और नहाऊंगी तो शायद से दूसरी बार ही, क्योंकि एक बार जब मेरी शादी हुई थी तब आई थी जब दादाजी थे हमारे, और उसके बाद भाई आज डुबकी लगाने का जो है मौका मिलेगा। तो भाई पहुंच गए थे भाई हरिद्वार और दीदी ऋषिकेश के लिए निकल, दीदी और वहाँ से राफ्टिंग करने के लिए निकल गए थे, और हम हरिद्वार में डुबकी लगाने के लिए निकल गए थे भाई। हमें हरिद्वार में भाई अपना वो था तो हम ढूंढ रहे थे पार्किंग वगैरह, पार्किंग से आ गए थे क्योंकि पता नहीं था, थोड़ा सा आगे निकल आए थे तो वही पार्किंग वगैरह जो है वो ढूंढ रहे थे। अब हम पहुंचे हरिद्वार, देख लो हम आज इस बार हरिद्वार के ट्रिप पे आए हैं भाई, लेकिन ये हरिद्वार तक नहीं। उसके बाद गाड़ी कर दी थी भाई पार्क, और हम अपना सामान लेके निकल लिए थे घाट की तरफ, घाट वगैरह जो है वो देख रहे थे, और भाई धूप बहुत तेज थी। देखो भाई भीड़ का कुक्रम हो रहा है, दुनिया भर की भीड़। को चल बढ़ दे चढ़ दे पानी में, दूसरी जगह चल रहे तेरे, चलो भाई चलो, जगह प्रभु का नाम ठंडा है। और तुम तो गर्मी बता रहे थे, ठंडा है जी, तू तो कह रहे, मैं कह रही थी चल उधर साइड चल, तुम इसके बीच में से निकल जाना, उस साइड चले जाओ। अभी नहीं ट्रस्ट में कुछ दान करना चाहेंगे, मेरी ट्रस्ट हो रही है भूख को ऐसे ही ना ले। एक अंबीले ना ले यार, कबूल ना का उधर ना आएंगे हम दोनों, ये दोनों ना ले, फिर हम दोनों टेंशन करें तो लेते हैं। ठंड है क्या हो गया? ठंड है ना भाई, ना ना बस वो होता है, काफ़ी लंबी होगी, काफ़ी लंबी थोड़ी होगी जानते ना भाई, नहीं ना रहने दो, ना लेने दे तू इन बालका ने ना, तो कोई बात नहीं जबरदस्ती कर रहा करा नहाने को मना। तो भाई हम दोनों मम्मी बेटा, तो भाई आप लोगों ने देखा अपना डुबकी वगैरह नहा धो के जो है वो रेडी हो गए थे, और कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, कैबिन वगैरह जो है वो हमें मिल गया था यहाँ पे चेंजिंग रूम जो होता है, और पहले मैं और मुकुन आए, उसके बाद भाई विनोद जी और रिकी की टर्न आ गई थी, तो भाई फिर उन सामान जो है हमने पकड़ा, और फिर ये दोनों पापा बेटा भाई घुस गए थे अंदर, और इन्होंने अच्छे से प्रॉपर रेलिंग के उस साइड जाके विनोद जी ने और रिकिन तो भाई अच्छे से डुबकी वगैरह लगाई, जो मैं और मुकू जो है भाई वो, क्योंकि इधर पानी कम था और इधर उधर जाने के लिए इन्होंने मना कर दिया था हम दोनों, क्योंकि हम दोनों मम्मी बेटा लुढ़कते पुढ़कते रहते, तो उन्हें भरोसा बिल्कुल नहीं था हम पे कि ये कहीं पे भी स्लिप व्लिप होकर गिर जाएगी, तो फिर मना कर दिया था, तो इस साइड हम नहाए, ये लोग उस साइड नहाए भाई। क्या कर रहा है रुकी? उधर मत जाओ ना, कहाँ जा रहे हो जी? कट्टी पांच, कट्टी पांच
तो मैं भी जाऊंगा। हाँ जा, जाऊं। पापा को पकड़ लियो। छह लगा दी पापा ने। लगा लगा। दिखाना जी एक बार, एक का ले लियो मेरा भाई। गंगा में डुबकी लगाए आए हैं और अब निकल लिए हैं आगे की तरफ अपना, जो कहाँ से हमारा था प्रसाद वगैरह जो भी था वो कर लिया है। कहाँ जाना है? गंगा जल वगैरह जो है वो घर के लिए ले लिया है और अभी निकल रहे हैं। आगे देखते हैं। और उषा दीदी अर गए हैं भाई, वो इस टाइम पे हमारे साथ नहीं थे, वो उनको करनी थी ऋषिकेश राफ्टिंग, तो वो राफ्टिंग करने के लिए चले गए थे यहाँ से और हम यहाँ पे भाई हमें मतलब हरिद्वार में नहाना था, तो अब जाके हम आगे मिलेंगे दोनों। यहाँ से निकलने का जी यार कितना शहर बस रहा है ना। हाँ बता, जैसे कि आप लोगों ने देखा वहाँ से, तो हरिद्वार से तो हम निकल लेते थे, वहाँ पे 2-3 घंटे मुश्किल से हमें लगे थे और हमने लंच वगैरह जो नहीं किया था, ब्रेकफास्ट ही किया था। तो रास्ते में रुक के हम भाई आगे बता देते भाई हम जा रहे थे मसूरी, तो बीच में रेस्टोरेंट आए वहाँ पे हमने लंच वगैरह किया अपना, और लंच वगैरह करके भाई हम निकल लिए थे आगे की तरफ। और जैसे जैसे आगे पहाड़ों की तरफ जा रहे थे भाई, पहाड़ तो सिर्फ 20 किलोमीटर के ही थे लेकिन भाई एकदम से स्टिफ जो चढ़ाई होती है वो थी और मौसम पल पल बदल रहा था भाई। इतना अच्छा मौसम हो गया था क्योंकि इस टाइम पे मुक्कू आगे बैठी थी, मैंने मुक्कू को फ़ोन पकड़ा दिया था और उससे पूरी रिकॉर्डिंग करवाई थी, जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी नहीं किया क्योंकि इतने ज़्यादा पहाड़ नहीं थे भाई। लेकिन भाई जैसे जैसे पहाड़ों की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे मौसम भी चेंज हो रहा था और ठंडा भी हो रहा था। हमने अपनी विंडो वगैरह जो है भाई वो एसी बंद करके और शीशे खोल लिए थे, तो बाहर से बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही थी और बस मन कर रहा था देखते जाऊं और कोई व्लॉगिंग वगैरह मैं कुछ ना करूं, सिर्फ विंडो से बाहर अपना चेहरा निकाल कर ठंडी हवा खाऊं भाई। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस टाइम पे, लेकिन चढ़ाई भाई बहुत ज़्यादा थी और टाइम से ही मतलब हम लोग पहुँच गए। और इसीलिए मैंने इसको पूरा आपके लिए रिकॉर्ड भी किया है कि आप लोग भी मेरे साथ इस व्यू को एंजॉय करें और समझे कि हाँ भाई आप लोग भी हमारे साथ ही चल रहे हैं। भाई होटल वगैरह तो हम 5 बजे पहुंच गए थे लेकिन उसके बाद ऐसी भसड़ मची थी हमारे साथ कि रूम वगैरह मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और भैया आप लोग देख रहे हैं अब तो डिनर टेबल पे ही बैठ चुके हैं, तो टाइम हो रखा था 9 बजे का, क्योंकि होटल वगैरह के आगे शायद मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या कन्फ्यूज़न वगैरह जो भी हुआ। तो अब सब लोग बैठ गए थे, ये भी सब पहुँच गए थे, टाइम से ही पहुँच गए थे और डिनर भाई साथ कर रहे थे अपना बैठ के आराम से, तो उस टाइम पे बातें वगैरह कर रहे थे और अपना डिनर ऑर्डर जो है भाई वो हम लोग देंगे और थोड़ा सा टाइम भाई जो है अपना साथ में स्पेंड करते हुए डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट डे कब क्या करना है, क्योंकि ऐसा मचा भाई पहली बार ऐसा हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ और थक चुके थे सारे, सबके फेस पे थकान जो है भाई वो नजर आ रही है इस टाइम पे।
ऐसी ऐसे तैसे हुए यहाँ होटल में आके, वो घर जाके बताएंगे, इसलिए फिर होटल के रूम टूर वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया। बड़ी दिक्कत हो गई थी क्योंकि इतने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, ऑनलाइन बुकिंग कराने में कई बार पंगा पड़ता ही पड़ता है क्योंकि नई जगह हम आए थे। हम आए हुए भाई, मैंने शायद से नहीं बताया, मसूरी। हाँ तो मतलब आए तो पहले थे लेकिन 10-11 साल पहले आए थे, उसके बाद तो भी आए जब बच्चे बहुत छोटे ही थे मेरे। तो भाई ऐसा यहाँ पे फर्स्ट टाइम आने, एक तो यहाँ की चढ़ाई ऐसे थी, यूँ गाड़ी यूँ आई है बिल्कुल, बहुत उसमें पहले वो दिमाग ख़राब हुआ भाई। और दूसरी चीज़ फिर होटल में रूम अंदर से तो ठीक है, लेकिन दिए ऐसे जहाँ हवा भी नहीं आती, ना खिड़की, वो हमें पसंद नहीं है भाई। 2-3 घंटे तक पंगा पड़ा रहा जब तक दीदी अब नहीं आए। उसके बाद आज रात के लिए हमें ये रूम मिला, हमारी 3 दिन की बुकिंग थी होटल की, वो हमने कैंसिल करा दिया। कि अब कल सुबह का देखेंगे भाई क्या करेंगे कल सुबह, क्योंकि अभी इन्होंने डबल कॉस्ट में हमें रूम लगा दिया फिर, तो वो भी भाई हमें ठीक नहीं लगा क्योंकि हम कैंसिल बुकिंग करा रहे हैं, तो इन्होंने अपने पैसा अमाउंट जो हमने भरा था उसको पूरा करने के लिए हमें डबल चार्ज में कर दिया 1 दिन का। तो फिर हमने इनको बोला कि हमें चेकआउट करना है, तो कल का कल देखते हैं मसूरी में दूसरा होटल ढूंढेंगे, या उससे आगे कहीं जाएंगे या पीछे कहीं जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जहाँ भी स्टे करेंगे क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। आज भी रूम ऐसे मिले कि मैं और रिकी इस रूम में सोएंगे, इकट्ठा रूम ही है, विनोद जी और मुकू दूसरे रूम में, ऐसे ही दीदी दो 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 करके अलग अलग रूम, 4 रूम हमें मिले हैं, ऐसे हम सारे सोएंगे। राम राम तो करने देती है पहले सारा दिन की राम ही के करूं जो भी बस रही है सो दिमाग खराब हो गया यार। तो भैया अभी तक का था ये अपडेट, तो जितना भी ब्लॉग बना है जैसे भी बनाए बाकी घर जाके और रिव्यू वगैरह जो भी हो शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट जी एंड राम राम।